और चलिए सीधा चलते हैं रीवा, जहां पर रीवा के एयरपोर्ट का शुभारंभ होने जा रहा है। सीएम मोहन यादव रीवा पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से वर्चुअली रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते विंध्य हैं। की पावन भूमि पर एक मनमोहक सी मुस्कान हमेशा मोहन भैया के चेहरे पर होती है, जो आप सभी का मन मोह लेती है। ऐसी प्यारी सी मुस्कान बिखेरते हुए विंध्य की भूमि को पावन करने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी का सानिध्य हम सभी को मिल रहा है। एक बहुत पुनीत कार्य की शुरुआत होने जा रही है। और जैसे कि आप सभी को पता ही है कि विंध्य में 23 अक्टूबर को जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रहा है, उसके लिए आज हमारे बीच जो सभी उद्योगपति भारत के कोने कोने से यहाँ पर आए हैं, उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी अब संवाद करेंगे। निडर हो, सुरक्षित हो, हमारे मध्य प्रदेश की बेटियां, डरना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का साथ, उनका आशीर्वाद हमेशा हम बेटियों के सर पर है। हम सबकी भरपूर तालियां होना चाहिए इस महत्वपूर्ण कार्य में। अपनी सहभागिता का प्रदर्शन हम सभी भी करें। ये बेटियां जो एक नई परिभाषाएं लिखेंगी, सफलता की नई कहानी लिखेंगी, उन बेटियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ये संदेश दे रखे हैं, उनकी पूजन कर कि बेटियों आगे बढ़ो और छू लो ये आसमां। मध्य प्रदेश शासन का साथ तुम्हारे साथ है, मेरा हाथ तुम्हारे सर पर सदैव है। खूब आगे बढ़ो और उन्नति करते रहो प्यारी बेटियां। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हमारी सनातन परंपरा दीप प्रज्वलन, आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, हमारे सभी मंचासीन अतिथियों से दीप प्रज्वलन कर विंध्य क्षेत्र की समृद्धि का दीप प्रज्वलित हो रहा है। दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, परब्रह्म दीप ज्योतिर्नमोस्तुते,
प्रज्वलित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। मोहन भैया की मनमोहक मुस्कान निश्चित ही हम सबका मन मोह ही लेती है। मध्य प्रदेश को विकास के रथ पर सवार करने के लिए, मध्य प्रदेश में विकास की नई परिभाषा रचने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच हैं। विंध्य को एक नई सौगात सौंपने के लिए एक बार हम सभी विंध्यवासी जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। हार्दिक धन्यवाद। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत मध्य प्रदेश शासन के सहयोग और प्रयासों से भारत सरकार के निर्देशन में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा रीवा हवाई अड्डे को विकसित किया गया। मध्य प्रदेश के विकास में सुनहरा अध्याय जोड़ने का काम करेगा आज का ये प्रोग्राम। आज रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण होने जा रहा है, जिससे न सिर्फ रीवा वरन पूरे विंध्य क्षेत्र को मिलेगी विकास की नई रफ्तार। सुगम आवागमन, खुशहाली और समृद्धि का आसमान, जहां उड़ान भरने के लिए तैयार है हर एक इंसान। आज मध्य प्रदेश के छठवें लाइसेंस्ड एयरपोर्ट रीवा का लोकार्पण भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअली अब से कुछ ही देर में करेंगे। आदरणीय देवियम सज्जनों, मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहाने वाले माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मंच पर हैं और अब हम स्वागत की ओर बढ़ते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है अतिथियों का स्वागत और सत्कार। सदियों से चली आ रही इसी परंपरा का हम निर्वहन करने जा रहे हैं। हम आग्रह करेंगे डिप्टी सीएम श्री राजेंद्र शुक्ल जी से माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी का हम सब की ओर से स्वागत करें। हम सब भी अपनी जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। स्वागत के इस क्रम में हमारा आग्रह श्री मधुसूदन जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, संयुक्त सचिव विमानन मंत्रालय भारत सरकार प्राधिकरण। आग्रह श्री चंद्रमौली शुक्ला जी, आयुक्त विमानन मध्य प्रदेश शासन, कृपया मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और इसी क्रम में श्री रतन अंभोरे जी, हेड ऑफ ग्राउंड ऑपरेशंस फ्लाई विंग, आपसे भी हमारा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी के स्वागत के लिए अब मैं आग्रह करती हूं श्री अनिल गुप्ता जी, सदस्य योजना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां हम सबके होना चाहिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी के स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं जेटी राधाकृष्णन जी, क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक एयरपोर्ट अथॉरिटी। माननीय जगदीश देवड़ा जी का स्वागत किया जा रहा है। माननीय सांसद जनार्दन मिश्र जी के स्वागत के लिए हमारा आग्रह निदेशक एयरपोर्ट रामजी अवस्थी से। माननीय सांसद सीधी डॉक्टर राजेश मिश्रा जी के स्वागत के लिए भी हमारा आग्रह श्री रामजी अवस्थी, आपका स्वागत करें। और हमारे अन्य सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत के लिए हमारा विनम्र आग्रह श्री रामजी अवस्थी, निदेशक एयरपोर्ट, आप
हमारे अन्य सभी अतिथियों का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां हम सभी विंध्यवासियों की ओर से। आज विंध्यवासियों को बहुत बड़ी सौगात सौंपने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी। आदरणीय देवी एवं सज्जनों, आज रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण होने से निश्चित ही विंध्य क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ने, स्थानीय लोगों को रोजगार के द्वार भी खुलेंगे। समय की बचत के साथ ही विंध्य क्षेत्र के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। और निश्चित ही आज एक नई इबारत लिखने जा रहा है विंध्य क्षेत्र। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम बेहद विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हैं सदस्य योजना भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण श्री अनिल गुप्ता जी से आज के इस मौके पर स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। मंच पर उपस्थित माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी, उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, माननीय जगदीश देवड़ा जी, उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, उपस्थित समस्त मंत्रीगण एवं गणमान्य अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, आप सभी का हम आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि उड़ान उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के तहत भारत सरकार द्वारा रीवा हवाई अड्डे को विकसित किया गया है और मध्य प्रदेश के विकास में एक कदम बढ़ाते हुए आज रीवा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जा रहा है। रीवा हवाई अड्डे के विकास हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निशुल्क भूमि उपलब्ध कराई गई। 15 फरवरी 2023 को इसका भूमि पूजन किया गया और इसके बाद एयरफील्ड को ATR 72 3C कैटेगरी के जो जहाज होते हैं उनके लिए तैयार किया गया। यहाँ पे 24 घंटे प्रचालन हो सके इसकी सुविधा दी गई, नाइट लैंडिंग एवं पार्किंग हो सके, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम हो सके जिससे कि मौसम के विघ्न से लैंडिंग में कोई व्यवधान ना है। और इन सारी समस्त सुविधाओं के साथ 9 सितंबर 2024 को इस एयरपोर्ट को लाइसेंस प्राप्त हुआ है और रिकॉर्ड समय में ये पूरा एयरपोर्ट विकसित हुआ है। इस हवाई अड्डे का रनवे 1800 मीटर का है जो कि ATR 72 एयरक्राफ्ट के लिए बनाया गया है। यहाँ पर दो पार्किंग बे का भी निर्माण किया गया है और एक समय में 100 यात्रियों को एक साथ हैंडल करने की सुविधा प्रदान की गई है। और इस पूरी बिल्डिंग का निर्माण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया गया है। आज की तारीख में इस पूरे विमानपत्तन का क्षेत्रफल 300 एकड़ है और भविष्य में इसका विस्तार किया जा सके इसका हमने प्रावधान किया है और बड़े एयरक्राफ्ट के लिए तैयार किए जा। नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय राममोहन नायडू जी, नगरीय विमानन मंत्री, नगरीय विमानन राज्य मंत्री आदरणीय मुरलीधर मोहले जी, ये सब बनारस से जुड़े हैं। यहाँ देखात नहीं लागा ही देखा ही कुछ देर में यहाँ मंच में उपस्थित कल्पना ही नहीं रही कि कबो रीवो में हवाई अड्डा बनी। लेकिन मोदी जी के आए से, उड़ान स्कीम जब से आई तब से आज तक पूरे देश में 2014 के पहले तक कांग्रेस के अंग्रेज के जमाना से लेके यहाँ 2030 में पहल हवाई अड्डा जबलपुर में बना 1930 में, तो अंग्रेजन के जमाने से लेके और आज तक 2014 तक रीवा भारत में कुल 74 हवाई अड्डा रहे अंग्रेजन से लेके और मनमोहन सिंह के जमाने तक कुल 74 हवाई अड्डा रहे और आज 157 हवाई अड्डा हो गए अकेले। अय 158 हवाई अड्डा, ये रीवा आज हो जाए 158 हवाई अड्डा हो जाए तो कहां
74 अकाहो 158, इतना अंतर बाहर हवाई अड्डन के विस्तार में। उन 2014 में देश में कुल 6,67,00,000 लोग हवाई यात्रा के हीन आयासों। अबे मई के महीना में, जब अबे बहुत सकला साल बाकी है, मई तक में 6,61,41,000 लोग, 6,00,000 जितना 2014 में साल भर में उतने से ज्यादा आसों के साल मई तक में हवाई यात्रा के हीन लोग, इतना ज्यादा हवाई यात्रा के विद्रीव है। और फिर कारण है कि जब से उड़ान स्कीम आई है 1,40,00,000 लोग यात्री उड़ान स्कीम के तहत हवाई यात्रा के लाभ ले चुके हैं। और उड़ान के मतलब अपना 2-3 हजार रुपया दे ही, अच्छा जहां उड़े लागी। रीवा में फर्स्ट क्लास के एसी के किराया है 2100 रुपया रीवा से भोपाल के, अहन से हवाई जहाज के किराया लागी 2000 रुपया। बाकी जौन किराया है वो मोदी जी के सरकार, मोहन जी के सरकार अदा करी। यह अंतर है। आज हमका बड़ी खुशी है कि 5 तारीख से हवाई अड्डा शुरू हो जाए, इसके लिए हम निश्चित रूप से के अपने प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करी थे। वह समय के विमानन मंत्री हरदीप पुरी जी का, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, वर्तमान मंत्री राममोहन नायडू जी का, राज्य मंत्री आदरणीय मुरलीधर मोहले जी का, और एक साथ साथ हम ये नहीं भूल सकता है कि हवाई अड्डा बनावे में शिवराज जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। हमार डॉक्टर मोहन यादव जी पूरी तरह कटिबद्धता के साथ, संकल्प के साथ देखा पूरा कराएं। आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी 14-15 साल से लगे रह गए। इन सब लोगन के जितने अधिकारी हैं विमानन मंत्रालय के, हमारे सगले विधायक बराबर रहकर मांग करते रह गए कि हवाई अड्डा बने। इनके सबके सहयोग से आज हम यह मंजिल पर पहुंचे हैं कि अब यहाँ हवाई अड्डा, हवाई जहाज 16-19 सीटर हवाई जहाज उड़े की क्षमता, 72 सीटर हवाई जहाज उड़े की क्षमता यह हवाई अड्डा में है। निश्चित रूप से ऐसे आज हमारे व्यापार, उद्योग, पर्यटन, तमाम तरह के आवागमन की सुविधा। अब एक जने कहते रहे कि कुछ न हो तो कम से कम लड़का अगर बाप मर जाता है, लड़का चेन्नई में है कि बंगलौर में है, तो यहाँ हवाई जहाज 2 दिन लाश धरे रह पर बाप के, तो यह हवाई जहाज खुल गए से हवाई आवे से इससे उदिने लड़का पहुंच जाए जिन्ना बाप के अग्नि संस्कार करेगा है। यह हमें एक सुविधा या हवाई अड्डा, हवाई यात्रा से हवाई अड्डा बने से मिली। हम फिर से अपना रीवा के जनता का साधुवाद दे थे कि जिनकर नाम लिए इनकर बनावे में हवाई जहाज, हवाई अड्डा बनावे में योगदान रहा, लेकिन सबसे बड़ा योगदान रीवा जिला के, रीवा के जनता के रहा। जब निरंतर भारतीय जनता पार्टी के भोपाल में, दिल्ली में सरकार बनवाई, अपना पंचे वोट दिए हैं, तो उन्हें के माते यह हवाई अड्डा बन के तैयार होगा। ऐसे अपना पंचे का बिंद के जनता को प्रणाम करी, तो धन्यवाद। जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद माननीय। विध क्षेत्र के विकास को ऊंची उड़ान देने के लिए आज यानी 20 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की गरिमामय उपस्थिति में नए भारत की नींव रखने वाले, आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी अब से कुछ ही समय पश्चात वाराणसी से वर्चुअली हमसे जुड़ेंगे और रीवा में एयरपोर्ट का लोकार्पण कर रीवा एयरपोर्ट आप सभी को सौंपेंगे। आदरणीय देवियम सज्जनों, हम सबके बीच राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जी भी उपस्थित हैं। उनके स्वागत के लिए हम विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हैं श्री राम जी अवस्थी, निदेशक एयरपोर्ट अथॉरिटी भोपाल, कृपया आपका स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। उद्बोधन के क्रम में हमारा विनम्र आग्रह, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आग्रह, माननीय श्री जगदीश देवड़ा जी उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, कृपया पधारें एवं अपना उद्बोधन सभी को दें। एक के हटाना पड़ा, एक के लगाना पड़ा। बोले भारत माता की। आज के इस
महत्वपूर्ण और गरिमामय कार्यक्रम में रीवा एयरपोर्ट के शुभारंभ के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मैं एक बार आप सबसे अनुरोध करूंगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी के स्वागत में जोरदार ताली बजा करके खड़े होकर के स्वागत करें। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री मेरे भाई परम श्रद्धेय आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, प्रदेश सरकार में मंत्री बहन प्रतिभा जी, मंच पर उपस्थित सांसदगण, विधायकगण और भी हमारे मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठजन, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, बहुत ही गौरव का क्षण है कि आज रीवा के एयरपोर्ट का शुभारंभ आप सबकी उपस्थिति में और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों से आज संपन्न हो रहा है। निश्चित रूप से पर्यटन की दृष्टि से भी, उद्योग की दृष्टि से भी और विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए यह बहुत बड़ी सौगात आज हम सबको यहां पर मिल रही है। यह वास्तव में बहुत ही सौभाग्य की और बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मैं इस अवसर पर, मेरा भी सौभाग्य कि मुझे भी आज इस गरिमामय कार्यक्रम में आप सबके बीच में आने का अवसर मिला, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी बहुत जल्दी हमारे बीच में, उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद मिलने वाला है, वर्चुअल वो जुड़ेंगे और मंच पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हैं। बहुत ज्यादा न बोलते हुए मैं आप सबको, विंध्यवासियों को इस सौगात के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय। आगामी क्रम में बढ़ते हुए विनम्रतापूर्वक आग्रह, श्री राजेंद्र शुक्ल जी, उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, आपसे अनुरोध, कृपया उद्बोधन देने का कष्ट करें। आज के ऐतिहासिक, बैठ जाएं। मुख्यमंत्री जी मंच पर विराजमान है, हम सबको बहुत ही अनुशासन और मर्यादा के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न करना है। आपके उत्साह को हम समझ सकते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक पल है ये। रीवा में एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है, ये बहुत दिनों तक आने वाली पीढ़ी 20 अक्टूबर 2024 को लंबे याद रखें। ऐसे अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्होंने बहुत ही कम समय में लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाने में सफलता प्राप्त की है, अपनी योजनाओं के दम पर मंच पर उपस्थित मंत्रिमंडल में हमारे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, जो आज बड़ी कृपा करके रीवा पधारे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश शासन में मंत्री हमारी बगल की सतना की आदरणीय श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, उनकी भी प्रसन्नता देखते बन रही है। हमारे लोकप्रिय सांसद, जमीन से जुड़े हुए जुझारू नेता आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, हमारे सीधी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, हमारे रीवा ही नहीं विंध्य के वरिष्ठ
नेताओं में से एक आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, विधायक गुढ़, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल जी, वरिष्ठ विधायक आदरणीय दिवराज सिंह जी, आदरणीय विक्रम सिंह विक्की जी, आदरणीय विधायक नरेंद्र प्रजापति जी, आदरणीय विधायक सिद्धार्थ तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी, आदरणीय श्यामलाल द्विवेदी जी पूर्व विधायक, भारत सरकार के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, संयुक्त सचिव आदरणीय शंकर जी और डायरेक्टर आदरणीय गुप्ता जी, अनिल गुप्ता जी, रीजनल डायरेक्टर आदरणीय राधा कृष्ण जी, राम जी अवस्थी जी, जिन्होंने बड़ी मेहनत की है इस एयरपोर्ट को बनाने में, सभी अधिकारीगण, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र जी और बड़ी संख्या में उपस्थित बंधुओं, माताएं बहनें, नौजवान साथियों, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे बंधुओं, आज का दिन जैसा मैंने कहा कि बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। मुझे याद है 25 सितंबर 2006 जब बाणसागर के बांध का लोकार्पण हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के करकमलों के द्वारा। मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी, 46 सालों के बाद हमारी पहचान, लोग कहते थे रीवा लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर्स है, लेकिन हम लोग घबराते रहते थे कोई आके ये ना कह दे कि सफेद शेर है कहाँ। 46 सालों के बाद व्हाइट टाइगर को रीवा की धरती पर वापस लाकर हम लोगों ने 3 अप्रैल 2016 को टाइगर सफारी का उद्घाटन कराया था, वो भी ऐतिहासिक दिन था। 10 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री जी ने रीवा के सोलर प्लांट का उद्घाटन किया था मोदी जी ने, और उन्होंने कहा था कि रीवा के लोग जब दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली की मेट्रो रीवा के सोलर से चल रही है, इसको जब देखेंगे तो उनको गर्व होगा कि हमारी धरती कितनी महत्वपूर्ण धरती है, यह प्रधानमंत्री जी ने कहा था। उसी प्रकार से आज 20 अक्टूबर 2023 को हम लोग एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं। रीवा में अपार संभावनाएं हैं, 40 मिलियन टन सीमेंट यहां पर बनती है अभी भी, 15,000 मेगावाट का सोलर थर्मल पावर प्लांट है सिंगरौली के क्षेत्र में, 3-3 नेशनल पार्क है यहां पर, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय गांधी टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व, मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी है, और बाणसागर की नहरों के जाल ने धरती से दौलत पैदा करके हमारे किसानों को इतना संपन्न बना दिया है कि हमारे किसान के घर में यदि कभी कभी कोई बीमार होता है तो एयर एम्बुलेंस आती है दिल्ली और मुंबई से, और हमारा आम आदमी किसान एयर एम्बुलेंस से दिल्ली और बॉम्बे के अस्पतालों में जाने का काम करता है। लेकिन एयरपोर्ट न होना हमारे क्षेत्र के विकास को गति नहीं दे पा रहा था। तेजी से विकास जो होना चाहिए, मैं उद्योग मंत्री भी रहा हूं, और जब इन्वेस्टर समिट में मुख्यमंत्री जी के साथ मैं देश के तो महानगरों में जाता ही था, लेकिन मैं लंदन और अमेरिका भी गया, और वहां पर इन्वेस्टर्स के साथ जब बात होती थी तो मेरा तो अपना स्वार्थ था ही, तो मैं उनको अलग से बैठाता था और कहता था कि आप लोग आइए रीवा में, वहां पर खनिज संपदा भरी हुई है, उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, 25 करोड़ की जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश जहां इतने कंज्यूमर्स हैं, आप अपना प्रोडक्ट रीवा में बनाइए और लगा हुआ मार्केट आपको मिलेगा और रीवा में तमाम तरह की सुविधाएं। तो अब मैं उद्योग मंत्री था तो मेरे हाँ में हाँ तो मिलाते थे, लेकिन धीरे से पूछते थे एयरपोर्ट है क्या आपके यहाँ, तो मैं निरुत्तर हो जाता था। लेकिन आज एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है और 3 दिन बाद 4 दिन बाद मुख्यमंत्री जी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर रहे हैं रीवा में, बड़े बड़े ग्रुप के लोग आ रहे हैं, हिंडाल्को से लेके, पतंजलि से लेके, रिलायंस से लेके, सीमेंट प्लांट डालने वाले, और हमारे रीवा के यहाँ पर उद्योगपति भी बैठे हुए हैं, उत्साह से भरे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि पहली बार हम लोगों को लग रहा है
कि सीधे प्रदेश के मुखिया से बात करके हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और ऐसे समय में अब कोई भी उद्योगपति जिसके साथ 23 तारीख को बात होगी, जब वन टू वन होगा मुख्यमंत्री के साथ, तो पहले की बैठकों में एयरपोर्ट ना होना रीवा में, ये जो बहाना, ये जो कमी, उस कमी को कोई अब नहीं रखेगा, बल्कि हम लोग कहेंगे कि आपको बुलाने के पहले रीवा के एयरपोर्ट का उद्घाटन हम लोगों ने कर दिया है, अब देश के कोने कोने से रीवा के लोग, बाहर से लोग आ सकेंगे और रीवा के लोग बाहर जा सकेंगे। और इसलिए ये रीवा के प्रगति के को गति देने वाला उड़ान, ये सिर्फ हवाई जहाज नहीं उड़ेगा, ये रीवा का विकास एक उड़ान भरने का काम करेगा। प्रधानमंत्री जी के उड़ान योजना के अंतर्गत कितना सौभाग्य है कि आज नरेंद्र मोदी जी इसका लोकार्पण कर रहे हैं। सारे देश और दुनिया को मालूम पड़ जाएगा कि रीवा भी कोई जगह है जहां पे नए एयरपोर्ट का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। और इसलिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और 5 नवंबर से हमारी शेड्यूल फ्लाइट शुरू हो रही है, रीवा भोपाल, सवेरे रीवा से भोपाल जाएगी, फिर भोपाल से रीवा आएगी, फिर खजुराहो जाएगी, फिर लखनऊ जाएगी, फिर लखनऊ से खजुराहो आके रात में रीवा में रुकेगी। और हमें गुप्ता जी बता रहे थे कि 1.5-2 महीने के अंदर नई जो बिडिंग प्रोसेस होगी उसमें हमारी कोशिश होगी कि रीवा से इंदौर, रीवा से हैदराबाद और रीवा से दिल्ली की भी 72 सीटर प्लेन शुरू हो जाए, जिससे कि अब रीवा में जब सभी काम हो रहा है तो एयरपोर्ट की कमी के कारण हम हिंदुस्तान के विकसित महानगरों की श्रेणी में ना आ पाएं, ये कमी को दूर करने के लिए भागीरथी प्रयास हुआ है प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार। जैसा अभी जनार्दन मिश्रा जी बता रहे थे कि मोदी जी ने उड़ान योजना बनाई और उड़ान योजना में सबसे पहले फायदा लेने का काम रीवा क्षेत्र ने किया है। आज मोदी जी 7 एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, मतलब भूमि पूजन और शिलान्यास, लेकिन मैं समझता हूं कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हमारा रीवा है जो आज 7 में से, बाकी का तो एक्सटेंशन है, नया टर्मिनल बिल्डिंग बन रही है, उसका विस्तार हो रहा है, लेकिन एक नया नवेला एयरपोर्ट तो हमारा ही है। 1978 के बाद, 46 सालों के बाद मध्य प्रदेश में कोई नया एयरपोर्ट, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी बहुत शुभंकर हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि उनके नेतृत्व में 6वां एयरपोर्ट ऐसे इलाके में, जो इलाका पूरी तरह से अनकनेक्टेड था, जहां पर विकास की अपार संभावनाएं थी, पर्यटन से लेके औद्योगिक क्रांति लाने की स्थिति हमारे इलाके में थी, लेकिन जो कमी थी उस कमी को आज पूरा हो रहा है। इसलिए मैं एक बार प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का इस अवसर पर आप लोग दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, अपने खुशी का इजहार करें। ये हमारे लिए किसी उत्सव से कम नहीं है, जिसका असर आने वाले 2-4-5 वर्षों के बाद दिखाई देगा। और लोग तो ये कहते हैं कि 5 वर्षों के बाद मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद सबसे बिजी एयरपोर्ट हमारे रीवा का एयरपोर्ट होगा, ऐसा जो लोग इस क्षेत्र के हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी जुड़ने वाले हैं और मैं मुख्यमंत्री जी अब हम सबको अपना आशीर्वाद देंगे, मार्गदर्शन देंगे। एक बार फिर से मैं मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय जगदीश देवड़ा जी का स्वागत करता हूँ, इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद माननीय, जिनका हर एक कदम प्रदेश के विकास के लिए आगे बढ़ता है, जिनकी व्यापक सोच आपकी खुशहाली के लिए समर्पित है। मध्य प्रदेश के ऐसे स्वप्नदृष्टा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से आप सबके ओर से जोरदार तालियों के बीच हम आग्रह करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें।
रीवा की धरती पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से और यशस्वी प्रधानमंत्री की ओर से दीपावली के इस पावन अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका वंदन करता हूं। हमारे त्योहारों का भी आनंद कैसा है मैं बात करूंगा, उसके पहले हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी अभिनंदन करें जगदीश देवड़ा जी का, और इस अवसर पर हमारे सुयोग्य उप मुख्यमंत्री आपके विधायक जोरदार अभिनंदन श्री राजेंद्र शुक्ला जी का स्वागत करें। हमारी राज्य मंत्री डॉक्टर प्रतिमा बागरी जी आपका भी अभिवंदन है अभिनंदन है। इस अवसर पर बघेली में अपनी भाषा में कभी कभी गौर करना पड़ता है, बोल क्या रहे हैं सांसद जी, जोरदार ताली बजाओ जनार्दन मिश्रा जी का, ये सच्चे अर्थों में जनता जनार्दन के अधिकारी हैं, जनता के दिलों पे इसी ढंग से अपनी बात को पहुंचाते हुए जनार्दन मिश्रा जी यशस्वी प्रधानमंत्री के सरकार के साक्षी हैं। पहली बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने जनार्दन जी थे, दूसरी बार बने जनार्दन जी है, तीसरी बार बने फिर जनार्दन जी, जोरदार अभिनंदन करो इनका। एक और मिश्रा जी है, क्या मालूम जनार्दन जी ने आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करने का प्लान बना लिया। आपने कहा कि रीवा के सांसद, क्या मालूम भविष्यवाणी कर रहे क्या कर रहे, लेकिन दोनों सांसद रहेंगे ये पक्का कर लिया इनने। मैं हमारे राजेश मिश्रा जी सीधी के माननीय सांसद, हमारे वरिष्ठ नेता गुड़ के माननीय विधायक श्रीमान नागेंद्र सिंह जी आपका भी वंदन है अभिनंदन है। हमारे देवराज सिंह जी जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने सुयोग्य विधायक श्रीमान देवराज सिंह जी का, और इंजीनियर विधायक नरेंद्र प्रजापति जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। इस अवसर पर सिद्धार्थ तिवारी जी त्योथर के माननीय विधायक जोरदार अभिनंदन सिद्धार्थ भाई का भी, और विक्रम भाई, मैं विक्रमादित्य की नगरी से और आपका नाम विक्रम है, विक्रम सिंह जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें माननीय विधायक। इस अवसर पर श्रीमती नीता कौल जी, पूर्व मंत्री श्रीमान पुष्पराज सिंह जी, हमारे डॉक्टर अजय सिंह जी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, सभी के लिए जोरदार अभिनंदन करें हमारे इस पूरे आयोजन के साथ। अभी वर्चुअल रूप से जुड़े हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद अपने इस कार्यक्रम में अपना मूल रूप से बनारस से इसको जोड़ करके कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाएंगे। जोरदार अभिनंदन माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनकी मौजूदगी से हजारों करोड़ की आज ये सौगातें मिल रही है। इस अवसर पर हमारे उड्डयन मंत्री मेरे नाम राशि राम मोहन नायडू जी, जोरदार अभिनंदन राम मोहन नायडू जी का। राम तो चित्रकूट में है और मोहन खड़े हैं, तो राम मोहन जोरदार अभिनंदन कर दो, देखो हमारी अपनी रीवा की धरती से। श्रीमान मुरलीधर माहौल जी आपका भी अभिनंदन है, ये राज्य मंत्री हैं। इस अवसर पर हमारे सभी अतिथियों के साथ रीवाधिपति स्वयंभू महामृत्युंजय के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं। सफेद शेरों की धरती, बिंद की धरती, मेरा भी एक रिश्ता है। मैं अभी माननीय राजेंद्र जी से बात कर रहा था, राजेंद्र जी मेरी शादी 93 में हुई, तब यहाँ रेल भी नहीं आती थी, मुझे सतना से उतर के आना पड़ता था, बड़ा मुश्किल जाता था। कहाँ रीवा पुराने वाला, रीवा में किस बात की कमी, यहाँ के लोगों की मेहनत, निष्ठा, लगन, अपनी विनम्रता और काम कराने की करने की विशेषता, पता नहीं कितने प्रकार से रीवा में विश्लेषण थे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसी नजर लगाई कि रीवा के विकास को ताला लगा दिया, ताला, सारी सिस्टम बंद कर दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जब से भाजपा की सरकार आई है लगातार विकास के नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं, हमारे पूरे नेतृत्व के लिए जोरदार अभिनंदन करें। 2003 के पहले स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से
गांव गांव में प्रधानमंत्री जो सड़क बनी, जोरदार अभिनंदन करे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। ये बदलते दौर में गांव में भी विकास नहीं करने दे रहे थे, शहर में भी विकास नहीं। पता नहीं कौन सी थ्योरी है, कांग्रेस के लोग सरकार बनाते हैं लेकिन सरकार बनाने के बाद इतने छोटे मन के हो जाते हैं कि विकास से कोई लेने देना नहीं। इसीलिए मैं कभी कभी सोचता हूं, आप अंदाज लगा लो कि आप दिल्ली में बड़े बड़े नेता कांग्रेस के, बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष पता नहीं क्या क्या है, लेकिन खुद दिल्ली में लड़ने से डरते हैं। अरे भैया, तुम दिल्ली के नेता हो, तुम्हारी चार पीढ़ी से दिल्ली के नेता रहे हो, लेकिन आप बताओ अपना घर छोड़ के बाहर क्यों लड़ते हो? क्योंकि घर वाले भरोसा नहीं करते हैं। दिल्ली पूरा सुपड़ा साफ कर देती, जितनी जिताती है पूरी भाजपा को जिताती, मुझे इस बात की आनंद। अभी बड़ी मुश्किल से इस चुनाव में कह रहे, अरे हम तो बिल्कुल बाल बाल रह गए। अरे बाल बाल कैसे रह गए? आप बताओ, दिल्ली की 7 लोकसभा सीट है और 7 की 7 सीट कांग्रेस सभी हारी। अब इसको जीतना बोलते कि हारना बोलते, अंधे को भी दिख रहा कि क्या हो रहा है, उसके बाद भी समझ में नहीं आएगी। पप्पू तीसरी बार भी हरियाणा में फेल हो गया, उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं है। क्या मालूम क्या चक्कर है, लाल चुनाव लड़ने में भी इतना डर है कि अपनी सीट से बहन को लड़ाने के लिए इंतजार करा कि मेरे को लड़ लेने दो, आंख में आंख मिला करके देख लूंगा कि हाँ जीत गए, फिर छोड़ दी और बहन को ले आए। अरे लोकतंत्र में इतना डरोगे फिर राज कैसे करोगे? और ये यशस्वी प्रधानमंत्री को देखो, पहली बार दिल्ली ने, हमारी पार्टी ने डिक्लेयर किया, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस देश के भावी प्रधानमंत्री होंगे। और ये 56 इंच का सीना देखो, आज जहां से हमारा एयरपोर्ट का लोकार्पण होगा वो गुजरात की धरती से आकर के बनारस से चुनाव लड़के उनने दुनिया में दिखाया कि इस देश का नेता कैसे बनेगा और कौन बनेगा। ये होता कलेजा और ये होती हिम्मत सरकार के साथ हमारे सभी प्रकार के कामों में। अरे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देखो तो सही, गया जमाना पुराना कि पाकिस्तान के लोग हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाते थे, फुटबॉल खेलते थे, लेकिन दिल्ली के नेताओं में कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता था। अब करके देखे, एक बार नहीं दो दो बार दुश्मन के घर में घुस करके मारने का कमाल किसी ने किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है, हमें इस बात का आनंद है। वो सच्चे अर्थों में यही हमारा अपना हवाई दूसरा हमला, याद रखो एयर स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक। आप कल्पना करो, अभिनंदन मूछ वाले जो बम गिराने गए थे पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के घरों में, और भूल से हमारे अपने सैनिक का विमान पे अटैक करके वो नीचे गिर गए। दिन भर पाकिस्तान के सरकार के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सब हाथ जोड़ते रहिए, बात करते रहिए, ये आपके अभिनंदन हमारे पास है, देखो हम इनको चाय पिला रहे हैं, बिस्कुट खिला रहे हैं, लगातार कोई बात तो कर लो, एक बार हम आपको देना चाहते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा, नहीं हमारे आपसे कोई विवाद नहीं है, आपके आतंकवादियों ने हमारे घर में घुस के हमला किया है, अब हमारा अधिकार है, हम आपके घर में जो घुसे आतंकवादी उनको मारना चाहते हैं, आप और हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। लेकिन भूल से भी हमारे अभिनंदन को हाथ लगा लिया, ध्यान रखना ये कल का सूरज नहीं उगेगा, उसके पहले हवाला होश ठिकाने ला देंगे पाकिस्तान के। ये है प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन करो वर्तमान के दौर के प्रधानमंत्री का। ये हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए। और ये निर्माणों की सौगात, अरे आज तो जो यहां दे रहे हैं, ये रीवा में मैं लगातार विकास के कामों को लिस्ट पढ़ रहा था, भारत की पहली रीवा सीधी 6 टनल 6 लेन, इतनी बड़ी तो कोई नहर है ही नहीं, क्या टनल बनाई है आपने, पूरे देश की सबसे चौड़ी नहर, जोरदार अभिनंदन करो, ये विकास का नया दरवाजा। 750 मेगावाट का रीवा अल्ट्रा मेगा सोर परियोजना का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहीं लगा है तो रीवा की धरती पे लगा है। रीवा में नया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कितने प्रकार के काम होंगे। और केवल रीवा में नहीं, यहाँ सतना की भी हमारी नेता बैठी है और सिंगरौली के भी हैं,
शहडोल में भी है। ये मेडिकल कॉलेज की सौगात अगर किसी ने दिए तो हमारी सरकारों ने दी, जोरदार अभिनंदन करो पूरे विंध्य के लिए। एक नहीं दो नहीं लगातार विकास के मामले में जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, अभी हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग पर इलाहाबाद बनारस कोलकाता को जोड़ने के लिए 120 हेक्टेयर का नया, आज ही मैंने आने के पहले रीवा संभाग के सभी उद्योगपतियों के साथ मीटिंग की है। हमारे सभी युवाओं के लिए सभी प्रकार के विस्तार की संभावनाओं को लेकर के आर्थिक रूप से रीवा और पूरे मध्य प्रदेश को मजबूत बनाने के लिए हमने हर महीने संभाग स्तर की उद्योगपतियों की रीजनल कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव चालू किया। अभिनंदन करो इस बात के संकल्प के साथ, आने वाली 23 तारीख को रीवा में फिर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी और यहाँ पे रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे। जब बड़ी इंडस्ट्रियां लगती है तो आज तो हम केवल कमर्शियल फ्लाइट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां से भविष्य में विमान अपना माल का यातायात के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो इसी एयरपोर्ट के लिए। आज मैं यहां बैठा था तो कई उद्योगपति ने कहा है कि कंटेनर बनाने के लिए भी हमारे यहां इसकी गुंजाइश है। चिंता मत करो, कंटेनर बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी तो रीवा में बनाने की मैं यही घोषणा करता हूं। निश्चित रूप से जो माल निर्यात करना चाहेंगे, खाली एक मामला नहीं, कितने प्रकार से आपकी जितनी खदाने हैं, अब तो कृषि का उत्पाद क्षेत्र भी बहुत अच्छा हो गया। पर्याप्त पानी होने के कारण से हमारे यहाँ विविध प्रकार की फसलों का उत्पादन भी बढ़ा है और क्षेत्र की गरीबी दूर हुई है। आने वाले समय में इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए हमारे कृषि उत्पाद बनाने के लिए भी रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली हर जिले के अंदर फूड इंडस्ट्री भी स्थापित किए जाएगी और लगातार इसको प्रोत्साहन देने का काम करेंगे। राइस मिल के लिए बताया गया है, राइस मिल काफी है यहाँ पे, कुछ कठिनाइयां हैं लेकिन कोई राइस मिल के मसले में परेशानी आएगी, सरकार सबसे पहले उनके साथ खड़ी है, सारी कठिनाई दूर करेंगे। हमारे बीच में उद्योग की दृष्टि से लगातार बढ़ाने के लिए आज तो मैं यहाँ, क्योंकि हमारी एयरपोर्ट की बात है और एयरपोर्ट के मामले में आज देश भर में 6125 करोड़ के निवेश से 7 एयरपोर्ट्स के विभिन्न प्रकार के अलग अलग कामों का, जिसमें रीवा भी शामिल है। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण से आज ये सौगात मिलेगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने उड़ान नाम के लिए खास करके छोटे शहर, मजले शहर, इनके अंदर भी बड़ी सौगात दी और आज यहाँ मुझे बताया गया कि रीवा में आने वाले समय में मालवाहक वाणिज्यिक विमानों का भी संचालन करने की आपने योजना बनाई है। उसी योजना के बलबूते पर हमारे उत्पाद को हम रवाना करेंगे। आज यहाँ पर रीवा में जहाँ रेल नहीं थी, आज रेल तो आई है लेकिन हवाई यातायात की सुविधा भी आई है। हमारी पीएम श्री वायु सेवा के साथ आज ही रीवा भोपाल कनेक्टिंग फ्लाइट यहीं से रीवा से चालू होगी, आपके सामने विमान जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो इस नई सौगात के लिए। और इतना ही नहीं, जिनको जाना है एक माह के लिए, विमान में कौन कौन नहीं बैठे हाथ खड़े करके बताओ, जो विमान में नहीं बैठे, और 1000 से कम में कौन बैठना चाहते हाथ खड़े करो, जो 1000 से कम में बैठना चाहते हैं। एक महीने तक 999 विमान ले जाएगा आपको रीवा से इसी जगह से। गया जमाना जब बड़े लोग हवाई जहाज में बैठते थे, हेलीकॉप्टर में बैठते थे, अरे आम आदमी भी बैठना चाहिए, बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? तो ये हमारे लिए हवाई जहाज सबका सर्व सुलभ साधन बनना चाहिए, इसीलिए हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक की व्यवस्था, यह है नरेंद्र मोदी जी का सपना। जोरदार ताली बजाओ सभी के लिए। कोशिश कर रहा है, जिस प्रकार का वातावरण बना है, हमने अपने गरीबों के लिए भी, और आप तो इस बात के गवाह हो, एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी है। आप ये मत चिंता करना कि केवल एयरपोर्ट से ले जाएंगे, एयरपोर्ट भी हिस्सा है, लेकिन गरीब से गरीब आदमी अगर हॉस्पिटल में भर्ती है और उसको कोई बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना है, उसकी जान बचाना है, या कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में कोई गंभीर घायल है और गंभीर घायल को तुरंत उठा करके उसकी जान बचाना है, हमारी सरकार ने निर्णय किया है
एयर एम्बुलेंस की सुविधा के माध्यम से हेलीकॉप्टर भी पहुंचाना पड़ेगा, तो बगैर पैसे के हेलीकॉप्टर पहुंचा करके उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार ने किया। अरे हेलीकॉप्टर थोड़ी बड़ा है, व्यक्ति की जान बड़ी। व्यक्ति के घर में किसी का एक कोई परिवार का व्यक्ति चला जाए, उनकी आत्मा से पूछो जिनके बीच में चला जाता है। हमारी पूर्व सरकार के बड़े बड़े नेता, एक तो इतने बड़े कांग्रेस के नेता के, वो हेलीकॉप्टर उनका अपने घर में उतारते हैं और घर से उड़ा के ले जाते हैं, लेकिन पड़ोस वालों को भी कभी बिठाया नहीं उनने। 30-30 साल से हेलीकॉप्टर है उनके घर में। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बाप रे बाप, ऐसे बड़े होने से क्या फायदा। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये बड़े बड़े लोग कांग्रेस के, ये दुनिया थी इनकी। ये बदलने वाला समय है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, माता और बहनों की सरकार है। और आज तो माता बहनों के लिए मैं डबल बधाई देता हूं। आज के दिन ये सौगात मिल रही है, लेकिन करवा चौथ के लिए भी आपको बधाई देता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारी माता बहने त्योहार के दिन भी हमारे बीच आई, लेकिन सौगात लेके आए मोदी जी। ये हवाई जहाज की यात्रा याद रहेगी, ये कब मिली थी, जिस दिन करवा चौथ थी। जोरदार अभिनंदन करो हमारे लिए, ये नई सौगात है। और इस बार की दिवाली एक बार नया सूरज लेके आएगी। दिवाली का समय आगे बढ़ने के लिए होता है, उन्नति के लिए होता है, समृद्धि के लिए होता है, हमारे सपनों के आधार पर आगे बढ़ने के प्लान बनाने के लिए होता है। ऐसे में ये सौगात जब मिल रही है तो इसका आनंद ही अलग है। मेरी अपनी ओर से मैं कुछ बताना चाहूंगा। 5 वाणिज्यिक हवाई अड्डे हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खजुराहो, और 25 सरकारी हवाई पट्टियां है। लेकिन आने वाले समय में प्रत्येक जिले के अंदर सरकारी हवाई पट्टी बनाने की हमारी योजना है, कोई जिला बाकी रहने वाला नहीं है। हमारे लिए उज्जैन, शिवपुरी, गुना, इनकी हवाई पट्टियों का पूर्ण विकसित करते हुए हवाई अड्डों में बदलने का उपक्रम चालू है। ये हमारा आज लोकार्पित हो रहा रीवा, थोड़े दिन बाद दतिया होने वाला है। एक के बाद एक लगातार हर स्थान को विकसित करने के हमारा लगातार प्लान बना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि रीवा की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत आज जो ये सेवा मिल रही है, इस सेवा के माध्यम से भविष्य में विकास के विस्तार के कई सारे नए हमको एक के बाद एक सौगात मिलती जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं 303 एकड़ से अधिक भूमि पर बनाने वाला ये रीवा का हवाई अड्डा भविष्य में इस प्रकार से प्लान बनाया गया है कि बड़े हवाई जहाज भी उतारना पड़े तो बड़े हवाई जहाज भी रीवा में उतरेंगे और ये अपने आप में इसकी सौगात लेंगे। आने वाला समय जब भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, बोलो जय जय श्री राम, तब अयोध्या के बाद भगवान राम का सर्वाधिक समय जो आनंद का बीता है वो हमारे चित्रकूट धाम में तो बीता है, आपके अंचल में। अब आने वाले समय में चित्रकूट के विकास के लिए भी विकास प्राधिकरण बनाया है, और विकास प्राधिकरण के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के अपनी योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में बड़े पैमाने पर धार्मिक पर्यटन का विकास के लिए चित्रकूट में भी पर्याप्त विकास किया जाएगा। एक नहीं दो नहीं ऐसी बहुत सारी बात कह सकते थे, लेकिन आज थोड़ा समय भी कम पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमारे लिए बनारस का समय किनारे आया है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले समय में जब 23 तारीख को यहां आऊंगा और आने वाले समय में जिनके जिनके परिवार में अभी भी अलग अलग प्रकार से बच्चे बच्ची की अपनी डिग्री पूरी हो रही है, लेकिन उनको काम धंधा चाहिए, रोजगार चाहिए, उन रोजगार के लिए हर संभाग के अंदर हमने अपनी स्किल डेवलपमेंट योजना चालू की है। इसको जिले तक भी ले जा रहे हैं। हर एक युवा के जीवन में अपना सपना होता है, उसके परिवार का ध्यान रखे, समाज में स्थान बनाए, देश और प्रदेश के काम आए, उसके सपने को पंख लगाकर उड़ने के लिए हमारी सरकार उसकी मदद करने के लिए तैयार है। लगातार ये अभियान चलेगा। कोई व्यक्ति रोजगार के अभाव में घर न बैठे, हर एक व्यक्ति के जीवन में उसका अपना, उसकी क्षमता योग्यता के बलबूते पर उसके हाथ में काम होना चाहिए। अभी हमारे अपने प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से किसानों की समृद्धि की योजना बनाई है, आने वाले समय में
जिनके घर में दूध उत्पादन होता है वो कौन कौन है हाथ खड़े करो, जो जो अपने यहाँ बैठे हैं जिनके घर में पशुपालन का या दूध उत्पादन का काम होता है, आप लाइन से बता देना, जिन जो नहीं है उनको भी दूध उत्पादन में जैसे हम फसल पे बोनस दे रहे हैं भविष्य के लिए। अरे भगवान राम और कृष्ण की धरती है जहां दूध और दही की नदियां बहा करती थी, ऐसे समय में जिनके घर में अलग से आमदनी खेती के अलावा चाहिए तो उनको या तो जो शहरी क्षेत्र में उनको उद्योग धंधे में लगाएंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र में हम पशुपालन को भी बढ़ावा देने वाले हैं और बहुचक्री फसल पद्धति के आधार पर हर फसल के आधार पर उसके जीवन में बदलाव आए। हमारे अपने द्वारा मध्य प्रदेश में केवल 20 साल के अंदर कहां 7,500 रुपया प्रति व्यक्ति आय थी, आज 1,42,000 रुपये की आमदनी हुई। जोरदार ताली बजाए, यह हमारा वर्तमान का अपना प्रदेश का बढ़ते कदम का हिस्सा है। कहां कांग्रेस के जमाने में 20,000 करोड़ से भी कम का बजट था और आज के समय में जब हम सरकार में बैठे हैं तो लगभग 3.5 लाख करोड़ के बजट के साथ हमने अपना बजट पारित किया है। 3.5 लाख कम तो नहीं होता यार भैया, हाथ बात में आनंद लो तो लो इस बात का, 3.5 लाख करोड़ किसको कहते हैं। जैसी नियत वैसी बरकत, इसलिए सरकार ने कहा कि अभी तो 3.5 लाख है लेकिन जैसे 5 साल का टेन्योर पूरा होगा 7 लाख करोड़ का ये बजट पहुंचेगा, 7 लाख करोड़ के आधार पर। क्यों, सरकार का बजट किसी एक का नहीं होता, आपके और मेरे जेब का नहीं होता, लेकिन इसके माध्यम से विकास के सभी दरवाजे खुलते हैं, सभी प्रकार की संभावना बनती है। बदलते दौर में आने वाले समय में ऐसे विकास के और नए नए आयाम खड़े होते रहेंगे। मैं जिस प्रकार से अपने मित्र माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को बधाई देता हूं, जगदीश देवड़ा जी दोनों उप मुख्यमंत्री और सारे मंत्रीगणों को बधाई दीजिए, जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, आने वाले समय में एक के बाद एक ऐसी कई सौगातें हमको मिलती जाएगी। खास करके आप अंदाज लगा लो, मेडिकल कॉलेज, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज ये 2003 के पहले केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, अब कहाँ 1947 और मध्य प्रदेश बना 1956, केवल 5 मेडिकल कॉलेज, और आज हमारे पास वर्तमान में सरकारी स्तर पर राजेंद्र जी कितने मेडिकल कॉलेज हो, 14 और 3 17। आप बताओ कि 5 से 14 ये हो गए और 12 का अलग से टेंडर लगा है तो 17 और 12 29 और 8 अलग बन रहे हैं तो 29 और 8 सब मिलाकर के 37 मेडिकल कॉलेज 2 साल के अंदर होने वाले हैं। ये हमारी सरकार के काम है। एक तरफ इनका काम, जैसे ना कोई सड़क, ना कोई बस अड्डा, ना कोई रेलवे स्टेशन, ना कोई एयरपोर्ट, एयरपोर्ट की तो कल्पना ही करना मुश्किल है, ये सिवाय झूठ बोल के बेवकूफ बनाने के। कांग्रेस और उनकी पूर्ववर्ती सरकार ने लगातार जिस प्रकार से काम किया है और आज भी वही काम है, उससे बदल नहीं रहे। अरे भाई 5 साल है अभी, आप शांति पुष्टि रखो, आपको जनता ने आदेश नहीं दिया, जनादेश भाजपा को मिला है, हम लगातार विकास के काम कर रहे हैं। अभी भी जोर से बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोल के भाग जाओ, लगातार जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, विकास का कोई विजन नहीं। अरे आओ जिस दिन चुनाव होगा उस दिन निपट लेंगे, आज बताओ विकास के मामले में 5 साल तो आपको घर बैठना ही है, क्योंकि इतने वोट मिले, इतने वोट मिले बीजेपी को, इतने प्रकार से जिताया है, आप बताओ 163 की जीत, जोरदार ताली बजाओ, ये किसको कहते हैं 163 विधानसभा की, कुछ बचा ही नहीं है। ये तो विधानसभा थी, ये इंटरवल पहले की फिल्म थी, अब लोकसभा आई, लोकसभा में तो जो रिकॉर्ड बनाया भूतो न भविष्यति, अब इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं सकता है, केवल बराबरी करेगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि तीसरी बार सरकार बनाना है, हमने सबने तय किया है कि डंके की चोट बनेगी, तो 29 की 29 ही लोकसभा हमारे पास आई, ये वर्तमान का समय है, 29 की 29। अब इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं सकता। बात का फिर उपचुनाव आया, उस उपचुनाव में भी हम जीते, लगातार एक के बाद एक, ये चुनाव नहीं जीत रहे हैं, ये जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, ये जनता का भरोसा है, ये विकास का मॉडल है, सरकार के साथ माननीय मोदी जी का नेतृत्व है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अरे कितना अच्छा लगता है अपने को आनंद के साथ, माननीय मोदी जी के लिए अमेरिका भी पलक पावड़े बिछा के तैयार,
अब तो ये मुश्किल है कि ज्यादा लंबी अच्छी दोस्ती किससे है। इधर पुतिन भी तैयार, हमको तो वो शोले का डायलॉग याद आ जाता है जब धर्मेंद्र वो टंकी पे चढ़ के बोलता है, क्या डायलॉग था राजेंद्र जी? ऊपर धर्मेंद्र जी के डायलॉग बोलता है, शादी का मामला था कि मौसी भी तैयार और बसंती भी तैयार, शादी किससे करूं? अब अपने लिए हमारा वर्तमान का दौर ऐसा चल रहा है कि कौन सा विश्व का ताकतवर देश जो माननीय मोदी जी का सम्मान नहीं कर रहा? सारे के सारे दुनिया के 200 से ज्यादा देश माननीय मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं कि आओ हमारे देश में, ऐसा नेतृत्व चाहिए जो सबका साथ सबका विकास कहता नहीं है, करके दिखाता। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का, जिनने कदम कदम पर अपने देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। और दुनिया के अंदर युद्धरत देशों में भी अगर अकेले जाते हैं तो 20,000 से ज्यादा यूक्रेन में फंसे हुए विद्यार्थियों की जान बचाने का काम अगर किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिनके माध्यम से हमारे अपने बच्चों की जान भी बची और देश का सम्मान भी बचा। हमारे लिए माननीय मोदी जी का संदेश जियो और जीने दो का है। दुनिया में शांति का मिशन लेकर के कोई व्यक्ति अगर चल रहा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की कल्पना नहीं, गुट निरपेक्ष नेता बनकर के जो खड़े हुए हैं, जो लगातार अपने शांति के प्रयास भी चल रहे हैं, विकास का मॉडल भी लेके जा रहे हैं, लेकिन देश के स्वाभिमान के साथ भी कोई समझौता नहीं करते हैं। हमारे दुश्मन जैसे को तैसा जवाब देने के लिए एक पड़ोस का पाकिस्तान सालों से इंतजार कर रहा, आओ मोदी जी हमारे देश में आ जाओ, हम आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। लेकिन मोदी जी और उनकी सरकार का स्पष्ट संदेश है, पहले तुम्हारे अपनी हरकतों को देखना पड़ेगा, आतंकवादी घटनाओं को रोकना पड़ेगा, तुम्हारे जैसे लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, ये उनकी अपनी सोच। हमारे देश के जवानों का खून फालतू नहीं है, हमारे देश के जवानों के साथ अगर आप गलत काम करते हो तो ऐसी दोस्ती की कोई जरूरत नहीं। नरेंद्र मोदी जी जिनका नाम है आज अपने बीच में लगातार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बदलाव के लिए जो लगे हैं, जिनके अपने जीवन में इस देश के हर गरीब से गरीब आदमी का सपना पूरा करने के लिए जिनने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज के इस आयोजन के साथ जुड़ करके अगर हमने बात कही है तो विकास के मामले में एक नहीं दो नहीं, लगातार ऐसे कई कई रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। अभी कल ही नितिन गडकरी जी आए थे और नितिन गडकरी जी ने आने के पहले भोपाल से कानपुर का नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाते हुए लगभग 3,590 करोड़ से 4 लेन नया रोड बनाने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नितिन गडकरी जी का। अपने भोपाल तक जाने के लिए हमने भी प्लान बनाया है, विंध्य एक्सप्रेस के माध्यम से भोपाल से रीवा तक का एक 4 लेन नया सुपर एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से आने जाने की दूरी भी घटेगी। ऐसा लगता है कि थोड़े पीछे वालों को समझ में नहीं है ये बात, बात समझ में आए तो दोनों हाथ की ताली खोलो और आनंद के साथ इस बात का एहसास करो। ये बदलते दौर का समय है, बदलते दौर के समय में अगर हमको आगे बढ़ना है तो इसी प्रकार से आगे बढ़ना पड़ेगा। एक के बाद एक ऐसी बहुत सारी बातें कह सकता था, लेकिन आज के इस समय पर चूंकि हमने अपने नदी जोड़ो अभियान की भी शुरुआत की है, विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपके रीवा के अंदर मोटे तौर पर जहां अमरकंटक से सोन नदी निकलती है, सोन नदी की धारा अलग, रीवा नाम तो माता रीवा के है लेकिन रीवा जब राज्य था पुराना तब रेवा जुड़ी थी, रीवा महाराजा से संबंध आता है, लेकिन जब ये राज्य की सीमा जिले की सीमा में बदल गई तो अब रीवा रेवा से नहीं जुड़ रहा था। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने लगातार प्रयास किया अगले साल तक रीवा में भी रेवा की धारा आ जाएगी, इसलिए हम लगातार लगे हैं। ये बदलते दौर का समय है, मां नर्मदा का नाम रेवा है, उन्हीं के नाम पर रीवा है, और बदलते दौर में हमारी सोन नदी आगे जाकर के सतना से आगे जाके सिंचित करेगी और मां से नर्मदा इधर आएगी। आने और जाने के क्रम में हमारे हाथ में नहीं है, ये परमात्मा की लीला है। नदियां तो जैसे हमारा पूरा शरीर है,
इस शरीर को जिंदा रखने के लिए रक्त वाहिनियां अपना रक्त प्रवाह करती है, उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी माता के लिए ये नदी की वाहिकाएं जीवन प्रदान करती है। लेकिन जीवन प्रदान करने के क्रम में हमारी जो दृष्टिकोण है वो शोषण का नहीं दोहन का है। हमारे संसाधनों का उपयोग गरीब आदमी की भलाई के लिए होना चाहिए और गरीब आदमी की भलाई के लिए हमारा दृष्टिकोण भी सार्थक होना चाहिए। हम आज के इस दौर में कल्पना करें, दोहन और शोषण के बीच में अगर अपन बात करेंगे तो दोहन उसी प्रकार से है कि कोई गाय माता के नीचे ग्वाला बैठता है और ग्वाला अगर दूध निकालता है तो अपने लिए भी, घर वालों के लिए भी रखता है और बच्चे के लिए भी बचाता है, गौ माता भी बचा लेती। ये हमारा आमतौर पर दोहन की कल्पना है। और पाश्चात्य कल्पना कैसी है, दूध निकालने के लिए आदमी हटा के मशीन लगा लेते और दूध तो दूध माता का खून तक निचोड़ लेते। ये दृष्टिकोण पश्चिमी देशों का है, ये भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाता है। हमारी संस्कृति जियो और जीनतों में विश्वास करती है, लोगों को लेके चलने में विश्वास करती है। इसलिए नदियों का दोहन करते हुए हमारे पूरे अंचलों के अंदर किसान अपनी फसल अच्छी खड़ी करे, व्यापारी उद्योग धंधे करे, अपने अपने काम सब करते करते अपनी जो मूल भावना है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सबका भला हो, इस भाव को लेके चलते हुए हमारी सरकार चलेगी। एक बार फिर मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शब्दों से इस सभा में एक नई ऊर्जा का संचरण करने के लिए और अपनी योजनाओं के कारण मध्य प्रदेश को समृद्धशाली बनाने के लिए। आइए हम सब जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, धन्यवाद ज्ञापित करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, रीवा के पर्यटन पर एक लघु फिल्म निर्मित की गई है, उस लघु फिल्म का रिमोट का बटन दबाकर विमोचन करने का कष्ट करें माननीय मुख्यमंत्री जी। जुड़ने जा रहे हैं और आज जिस पल का इंतजार हम सबको था, रीवा विंध्य क्षेत्र को जो नई सौगात आज माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी सौंप रहे हैं, हमारे और मंत्री यहां आए हैं, एयरपोर्ट का आज उद्घाटन होने जा रहा है, शुभारंभ होने जा रहा है रीवा एयरपोर्ट का। हम सभी जुड़ेंगे वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से। आज जो भारत भर में 7 एयरपोर्ट का शुभारंभ होने जा रहा है, 3 एयरपोर्ट का आज उद्घाटन हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है, इसके साथ ही 4 जो एयरपोर्ट हैं उनका आज भूमि पूजन किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए हम सभी यहां पर उपस्थित हैं। वाराणसी की ओर हम आपको ले चलेंगे कुछ ही मिनटों के पश्चात। प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच होंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अब हमारा आग्रह, ये जो एयरपोर्ट का निर्माण यहाँ पर किया गया है, बच्चन जी की एक कविता है, उसकी अंतिम पंक्तियां जो मुझे ये लग रहा है कि आप लोग को अच्छी लगेंगी, वो मैं आपको सुनाती हूँ। बंगाल की काल उनकी कविता थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि
कि मेरे पैसे या दो पैसे किस मसरफ के तुमको होते, इसीलिए मैं अपनी वाणी तुम्हें भेजता हूं चंदे में। संभव है तुमको कुछ बल दे और कालिका करे प्रेरणा, निकल पड़ो तुम सहसा कहकर अपनी रोटी अपना राज। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वो जुनून, वो उत्साह, वो एक लहर हमारे सभी जो विद्यार्थी हैं खेल के, उनके अंदर वो ज्वाला जल रहे, वो लौ प्रज्वलित रहे, इसी कामना के साथ आइए आपके साथ हम लोग भी माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। एक बार पुनः इस विशाल ये जो मैदान है सेग्रा स्टेडियम का, इसमें उपस्थित प्रत्येक जनमानस का, प्रत्येक खिलाड़ी का, प्रत्येक उपस्थित यहां पर हमारे पत्रकार भाइयों का, आप सबका इस काशी की पावन धरा पर मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं। पता नहीं बाद में मौका मिले या ना मिले, आप सबके प्रति आभार भी व्यक्त करती हूं कि इतनी भारी संख्या में आके आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। आप सबको नमन करती हूं, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूं। धन्यवाद।